प्रशासन के अनदेखी का शिकार नवरात्र महोत्सव, अंधेरे में डूबी गलियां और तेज रफ्तार चलते वाहनों से परेशान है माता के भक्त। शाम होते ही छेड़छाड़ की नियत से निकलते हैं मनचले युवक। शारदीय नवरात्र के प्रारंभ होते ही समस्त खनिया धाना माता रानी की झांकियों से सज जाता है। शिवपुरी जिले की सबसे बड़ी तहसील होने के नाते 101 ग्राम पंचायत खनिया धाना से जुड़ी हैं। नवरात्र के पावन महोत्सव पर आसपास के ग्रामीण इलाकों से हजारों की संख्या में ग्रामीण खनिया धाना माता के दर्शन करने के लिए एकत्रित होते हैं। भीड़ इतनी ज़्यादा है कि सड़क पर पैर रखने की जगह नहीं होती, लेकिन ऐसे समय में कुछ युवा तेज रफ्तार वाहन चलाते हुए भक्तों की परेशानी का सबब बन जाते हैं। अव्यवस्थाओं का हाल यह है कि मुख्य सड़क कई जगह अंधेरे में डूबी है, तो बड़ी संख्या में असामाजिक तत्व और मनचले युवक जगह जगह ग्रुप बनाकर बैठे रहते हैं। आने वाली महिलाओं और युवतियों पर फप्तियां कसते रहते हैं। इस छेड़छाड़ से मनचले युवाओं को रोकने का प्रयास जब सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा किया जाता है, तब विवाद की स्थिति यहाँ पर बन जाती है। और यहाँ पर इन स्थितियों से निपटने के लिए ना तो खनिया धाना पुलिस की कोई व्यवस्था नजर आती है और ना ही नगर परिषद खनिया धाना द्वारा कोई समुचित व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर कोई बड़ी दुर्घटना का इंतजार शायद शासन प्रशासन कर रहा है। व्यवस्थाओं के नाम पे आप देख ही रहे हैं कि नेत्रगा में जगह जगह झांकी लगी है और ये वाहनों को एक निश्चित जगह पर रोक देना चाहिए। ऐसा ना करके ना तो पूरी ही इस आयोजन में ना तो कहीं पुलिस दिख रही है, ना ही नगर पालिका का कोई व्यक्ति दिख रहा है। ये जो नए नए लड़के हैं मोटरसाइकिलों को दौड़ा रहे हैं, कभी भी कहीं भी कोई भी घटना घट सकती है। एक एक मोटरसाइकिल पर तीन तीन चार चार लोग बैठे हुए हैं, इनको देखने वाला ना तो कोई पुलिस वाला है और ना ही नगर पालिका की तरफ से कोई व्यवस्था है। हमारे नवरात्रि महोत्सव में हजारों की संख्या में लोग आते हैं प्रतिदिन, यहाँ पुलिस प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। गलियों में अंधेरे में महिलाओं को परेशान किया जाता है और नगर पालिका वालों ने भी लाइटों भी कुछ बंद है, ना लाइटों को सुधार आया है, ना लाइटें वो सही हुई हैं। हमने पहले शिकायत भी की थी लेकिन कुछ किया नहीं गया। व्यवस्थाएँ तो कुछ नहीं रही हैं, अव्यवस्थाएँ बहुत सी रही हैं, जिसमें माँ जो अपनी नवदुर्गा समय वो चलती हैं झांकियाँ, उसमें बहुत से लोग आते हैं गाँव से और बहुत जनता जुड़ती है। उसमें ना तो पुलिस दिखी मेरे को, और मतलब ऐसे असामाजिक तत्वों के द्वारा लोगों को परेशानी भी उठाना पड़ी है। वो मतलब नगर पालिका की भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दिखी मेरे लिए कि कोई ना साफ सफाई है, गाड़ियाँ बराबर चल रही हैं मार्ग में, मतलब घूम रही है, लोगों को आने जाने परेशानी हो रही है।